हेलो एवरीवन, हिमाचल जीके के 16th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर 1972 तक, इसमें पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली क्या क्या चेंजेस आए थे, तो वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि आपने मुझे बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, और जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होगा तो आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, और अगर हो सके तो आप इसके नोट्स भी खुद बना लीजिएगा, क्योंकि जब रिवाइज़ करने का टाइम आएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है हम यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं, HP पुलिस कॉन्स्टेबल मिशन वर्दी। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर 1972 तक, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली, दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, कितनी रियासतें थी? 30 रियासतें। तो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हिमाचल प्रदेश का जब गठन किया गया था तो इसमें कितनी रियासतों को जोड़ा गया था, तो इसका क्या आंसर होगा? 30। ठीक है, इसमें नोट है कि 4 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से जिले थे? चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। ठीक है, इनको भी आप याद रखिएगा। तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो उस समय इसका क्षेत्रफल कितना था? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो कितना था? 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 15 अप्रैल 1948 को ही हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत में अस्तित्व में आया था। मतलब कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो वहाँ पे मुख्य आयुक्त प्रांत भी अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, तो 1948 से लेके 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में रहा। ठीक है, तो ये जो डेट है ये आपको याद रखनी है, 1948 से लेके 1951 तक। ठीक है, अब आपको पता है कि 1948 से लेके 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत में रहा। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? NC मेहता। ठीक है, काफ़ी बार आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो 1948 से लेके 1951 तक कुल 3 मुख्य आयुक्त रहे थे। ठीक है, पहला कौन था? NC मेहता था, लेकिन टोटल कितने थे? 3 थे। ठीक है, आपको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो 1949, 1950, 1951, ठीक है, 3 साल रहा था ना ये, तो 3 मुख्य आयुक्त ही इसमें रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1951 को हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। जैसे ही हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त से हटा तो उसको ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। ठीक है, इसमें आपको नोट भी याद रखना है कि 1951 में मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल पद का सृजन किया गया। ठीक है, पहले क्या था? मुख्य आयुक्त। अब जैसे ही इसको ग श्रेणी में डाला गया तो वहां पे मुख्य आयुक्त का जो पद था इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर राज्यपाल पद का उत्सर्जन किया गया। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि 1951 में बनाए गए हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ठीक है, देखो 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, तो 1948 से ही यहाँ पे इसको मुख्य आयुक्त प्रांत में इसको डाल दिया गया। ठीक है, और ये कब तक रहा? 1951 तक रहा, और 1951 को इसको ग श्रेणी में डाल दिया गया। जैसे ही इसको ग श्रेणी में डाला तो यहाँ पे राज्यपाल पद का सृजन किया गया। तो पहले राज्यपाल कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? NC मेहता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब 1951 को इसको ग श्रेणी में डाला। अब 1952 को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के 36 सीटों पर चुनाव हुए। उसमें 24 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और YS परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। कब बने थे? 24 मार्च 1952 को, ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 1951 को इसको ग श्रेणी में डाला। ठीक है, और 1952 को यहाँ पे चुनाव हो गए। चुनाव हुए, कितने सीटों पे हुए? 36 सीटों पर हुए। इसमें जीती कितनी? 24 सीटें जीती। किसने जीती? कांग्रेस ने जीती, और YS परमार को हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। पहले 4 कौन थे? मैंने आपको बताया कौन कौन से थे, चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर। ये कब बने थे? 1948 को बन गए थे। इसके बाद जाके
1954 में पांचवा जिला बनाया गया जिसका नाम है बिलासपुर। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे आता है कि हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला कौन सा बना, तो बिलासपुर बना। ठीक है, इसमें भी एक नोट है, इसको भी आप पढ़ो। हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पहले बिलासपुर गर्ग श्रेणी का राज्य था। कब से था? 9 अक्टूबर 1948 से। तो 1954 से पहले पहले मतलब 1948 से लेके 1954 तक, 1954 तक बिलासपुर गर्ग श्रेणी का राज्य था। ठीक है, मतलब एक अलग ही राज्य था। तो इसको फिर इसमें ऐड किया गया, इसमें जोड़ा गया 1954 को। तो जोड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो बढ़ गया, पहले कितना था 27,018 किलोमीटर स्क्वेयर, और जैसे ही बिलासपुर को जोड़ा तो इसका क्षेत्रफल बन गया 28,186 किलोमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1956 में भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष फौजी लाली थे। अब देखो राज्य पुनर्गठन आयोग इसमें क्या करते हैं कि इसमें जैसे कि ये देखो, ये हमने बना लिया मैप। ठीक है, अब ये है पंजाब और ये है हिमाचल। ठीक है, अब इस आयोग का काम क्या रहता है कि इसमें जो बाउंड्री पर जो डिस्प्यूट रहता है जगह के लिए, कि कौन सी जगह हिमाचल की है कौन सी जगह पंजाब की है, तो उसको सुलझाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो इसमें सिफारिश क्या थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश को पंजाब में डालने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, सिफारिश की गई थी कि भाई जो हिमाचल है इसको सारा का सारा पंजाब में डाल दिया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखो आगे देखते हैं। 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अब देखो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अब इसमें रिजल्ट क्या आया? तो इसमें रिजल्ट ऐसा आया कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अब देखो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इससे पहले क्या था? इससे पहले था ये गर्ग श्रेणी का राज्य। तो गर्ग श्रेणी का राज्य था तो उस टाइम पे यहाँ पे किसका पद चल रहा था? उपराज्यपाल का पद चल रहा था। तो अभी भी उपराज्यपाल का ही पद चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हिमाचल प्रदेश या फिर केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश का पहले उपराज्यपाल कौन बने? तो बजरंग बहादुर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बजरंग बहादुर सिंह केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने। ठीक है, अगर हम बात करें गर्ग श्रेणी के राज्य के टाइम पे कौन बने थे? मेजर जनरल हजारा सिंह। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश के लिए तो बजरंग बहादुर सिंह। ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि दोनों के दोनों उपराज्यपाल हैं। एक एक 1951 को बने थे तो उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश गर्ग श्रेणी का राज्य था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो थे वो थे मेजर जनरल हजारा सिंह, पहले उपराज्यपाल। और अब जब हिमाचल 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना तो उस टाइम पे पहले उपराज्यपाल कौन बने? बजरंग बहादुर सिंह। ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं, 1956 को ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भंग कर दिया गया जिसके तहत 1957 को वाइस परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखो जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो ओबियसली यहाँ पे जो विधानसभा चल रही थी 1952 से वो भंग होगी, तो अब ये केंद्र के अधीन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे विधानसभा तो भंग होनी ही थी, तो जैसे अभी जम्मू में है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी विधानसभा को भंग कर दिया गया और जो वाइस परमार हमारे मुख्यमंत्री बने थे पहले उनको अपना पद त्यागना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें नोट आपको याद रखना है कि विधानसभा को भंग करने के पश्चात उसके स्थान पर यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। कब किया गया? 1957 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ठाकुर करम सिंह। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन जो किया गया था 1957 को, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ठाकुर करम सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1960 को महासू की तहसील चीनी को अलग करके हिमाचल प्रदेश का शेवा जिला किन्नौर बनाया गया। पांचवा जिला कौन था? बिलासपुर था। कब बना था? 1954 को। और अब शेवा जिला कौन बना? किन्नौर बना। और जब बना कैसे? हमने क्या किया कि महासू की एक तहसील थी चीनी, तो महासू पहले क्या था? यहाँ पे देखो महासू पहले एक जिला था। ठीक है, तो महासू एक जिला था, तो उस जिले में हमने एक पार्ट को यहाँ पे अलग कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया किन्नौर। समझ गए? महासू पहले एक जिला था पूरा का पूरा, अब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरा का पूरा जिला गया कहाँ। तो पहले इसका एक पार्ट है
चीनी, तो उसको काट के इन्होंने बना दिया किन्नौर। ठीक है, अब देखो, और ये बना था शेवा जिला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 1963 में क्षेत्रीय परिषद को हटाकर हिमाचल प्रदेश में फिर से विधानसभा स्थापित की गई और वाइस परमार को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, अब देखो, 1957 से लेके 1957 से 1963 तक यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद का रूल चला था। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, ठाकुर करम सिंह। अब 1963 को हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, और दूसरी बार जब चुनाव हुए तो फिर से वाईएस परमार जी जीत गए। तो क्वेश्चन बनता है कि वाईएस परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने? तो आपको पता होना चाहिए कि जब क्षेत्रीय परिषद हटी, जो 1957 को हिमाचल प्रदेश में लागू हुई थी और वो रही थी 1963 तक, तो जब वो ख़त्म हुई तो ख़त्म होते ही विधानसभा के चुनाव हुए और उस टाइम पे वाईएस परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी स्टोरी याद रखनी है 1948 से लेके 1972 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हिमाचल और पंजाब का बाउंड्री डिस्प्यूट चला हुआ था। ठीक है, तो अब 1966 को क्या हुआ कि पंजाब का पुनर्गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार हुकम सिंह थे। तो आप इसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं कि पंजाब का पुनर्गठन मतलब कि पंजाबी होगा कोई इसका अध्यक्ष। ठीक है, तो सरदार हुकम सिंह। ठीक है, यहाँ से सरदार आप यहाँ पे पकड़ लीजिए। तो इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1966 को, और पंजाब के पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे, सरदार हुकम सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल बना। क्यों बना? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चार नए जिले जोड़े गए थे और टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो अब जो हमारा प्यारा हिमाचल है वो विशाल हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल बना। ठीक है, तो चार नए जिले कौन कौन से जोड़े, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 18 दिसंबर 1970 को संसद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 18 दिसंबर 1970 को संसद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया, और 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी जी ने शिमला के रिज मैदान से हिमाचल को पूर्ण राज्य घोषित किया और हिमाचल भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना। ये आपको पकड़ लेना है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश भारत का कितने नंबर वाला पूर्ण राज्य बना, तो 18वां पूर्ण राज्य बना। ठीक है, और ये डेट जो है 25 जनवरी 1971, ये भी आपको याद रखनी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे ही हमारा जो प्यारा हिमाचल है ये पूर्ण राज्य बना, वैसे ही हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट भी बन गई थी। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हाई कोर्ट, हिमाचल की हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आपको क्या आंसर करना है, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 1972। अब 1972 में क्या हुआ, 1972 को हिमाचल में सोलन, ऊना, हमीरपुर को जोड़ा गया। ठीक है, और 1969 को महासू को शिमला में मिला दिया गया। अब देखो, यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले 1948 को महासू एक जिला था। ठीक है, और 1960 को इसकी एक तहसील थी चीनी, जिसको हमने बना दिया किन्नौर। ठीक है, अब जो बाकी बचती है, इसको 1969 में शिमला में जोड़ दिया गया, क्योंकि शिमला इसके साथ लगती थी, और शिमला को 1966 में एक अलग जिला बना दिया गया। ठीक है, अब ये शिमला है। ठीक है, शिमला जिला कब बनाया, 1966 को बनाया। ठीक है, और 1969 को बाकी जो जमीन बची हुई थी महासू की, इसको इसको शिमला में मिला दिया गया, इसको शिमला में ही मिला दिया गया। ठीक है, अब शिमला का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया, क्योंकि इसमें महासू जो जिला था वो इसमें आ गया। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब महासू को शिमला में मिला दिया गया, तो कब, 1969 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन थी वो रियासत थी भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत, और वो जो रियासत थी वो हिमाचली रियासत थी, तो कौन थी, ठियोग थी। नोट क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। 17 अगस्त 1947 को ठियोग पहली रियासत थी
जहां लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। मुखिया कौन थे? सूरत राम प्रकाश। इसको पकड़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सूरत राम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले मुख्य सचिव कौन थे? केएल मेहता। अब यहाँ पे बड़े सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं केएल मेहता और एनसी मेहता में। तो जो एनसी मेहता थे वो थे मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त। और मुख्य आयुक्त प्रांत में कब आया था? तब भी आ गया था जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया था? 1948 को किया था, ठीक है। और 1948 से लेकर 1951 तक जो हिमाचल प्रदेश था वो मुख्य आयुक्त प्रांत में ही कार्य करता रहा। तो वहाँ पे जो पहले मुख्य आयुक्त थे वो थे एनसी मेहता। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मुख्य सचिव की, तो मुख्य सचिव कौन थे? केएल मेहता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल, इससे पहले क्या थे? उपराज्यपाल लग रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की, तो पहले राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती, ठीक है। और राज्यपाल जो पद है उसका सृजन कब किया गया? जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना दिया गया। कब से बना दिया गया? 1971 से बना दिया गया। तो 1971 से ही यहाँ पे राज्यपाल पद का भी सृजन किया गया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से थे? एस चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश में दो नगर निगम हैं, कहाँ कहाँ पे है नगर निगम? धर्मशाला और शिमला में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में तीन प्रशासनिक मंडल है, तीन प्रशासनिक मंडल है, ठीक है। नोट क्या है कि इसमें जो मंडी है वो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है, तीनों में से जो मंडी है वो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है, जिसके अंदर 5 जिले आते हैं, ठीक है, बस आपको यही याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? शीला कौल। हम बात कर रहे हैं महिला की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं वो कौन थे? ठाकुर रामलाल। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं तो वो कौन थे? ठाकुर रामलाल जी। नोट देखो, अब बताओ ये किस राज्य के राज्यपाल बने थे? तो यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे 1983 में, ठीक है। और यह हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे, पहले कौन थे? वाईएस परमार, और दूसरे कौन थे? ठाकुर रामलाल जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री शांता कुमार थे, वो कब बने थे? 1977 को, ठीक है। वाईएस परमार किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। मतलब शांता कुमार से पहले जो भी हमारे मुख्यमंत्री बने वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? शांता कुमार, और ये बीजेपी से संबंध रखते हैं, ठीक है। नोट क्या है कि 30 अप्रैल 1977 को और 15 दिसंबर 1952 को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो उस समय शांता कुमार की सरकार को भंग किया गया था। तो बोलने का मतलब ये है कि जब 1977 और 1952 को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया था तो उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? शांता कुमार थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 4 हैं, कांगड़ा, मंडी, शिमला, हमीरपुर। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। देखो, अगर पूछा जाए लोकसभा सीटें तो 4 हैं, अगर पूछा जाए राज्यसभा सीटें तो 3 हैं। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश से चुनकर संसद में कितने लोग जाते हैं तो 4 और 3 7। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, याद रखनी है ये बात। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र मंडी, 60% हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है? मंडी है। नोट क्या है इसमें? 1952 में 3 निर्वाचन क्षेत्र थे, महासू, मंडी और चंबा और सिरमौर। अब आपको पता है कि 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया था तो उस समय हिमाचल में सिर्फ 4 जिले थे, कौन कौन से थे? चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। तो इन्हीं में से महासू में एक अलग निर्वाचन क्षेत्र था, सिरमौर में एक अलग निर्वाचन क्षेत्र था, और मंडी और चंबा में एक अलग था, ठीक है। तो इनको आपस में जोड़ा गया है, तो टोटल कितने थे? 3 निर्वाचन क्षेत्र थे 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से प्रथम लोकसभा सदस्य कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर, मंडी से बिलोंग करती हैं ये, ठीक है। और देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी यही बनी थी, कौन बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर। और ये प्राउड वाली बात है
कि देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री अगर हम बात करें महिला की, तो राजकुमारी अमृता कौर हिमाचल से मंडी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नोट क्या है कि भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री भी राजकुमारी अमृता कौर ही बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचल प्रदेश से चुने जाने वाले पहले निर्दलीय लोकसभा व राज्यसभा सांसद कौन थे? तो राजा आनंद चंद, ये बिलासपुर के राजा थे। ठीक है, और आपको यही बात ध्यान रखनी है, याद रखनी है कि जो राजा आनंद चंद थे वो बिलासपुर से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, ये निर्दलीय थे लोकसभा और राज्यसभा सांसद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में प्रथम व्यक्ति कौन थे? चिरंजीवी लाल वर्मा। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश से पहली महिला राज्यसभा सांसद, देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं महिला की। ठीक है, तो कौन थी? लीला देवी जी। इसमें नोट क्या है कि जो चंद्रेश कुमारी थी वो प्रथम महिला है जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कर चुकी है। ठीक है, दोनों में ही अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कौन कर चुकी हैं? चंद्रेश कुमारी जी। नेक्स्ट चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति ST में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो जो शिमला है वो SC में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जयवंत राम, 1952 से लेकर 1956 तक बने थे। ठीक है, वो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? विद्या स्टोक। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूर्ण राज्य प्राप्ति के बाद, पूर्ण राज्य प्राप्ति हमको कब हुई? 1971 को। तो कौन बने थे पहले विधानसभा अध्यक्ष? देसराज महाजन जी, 1967 से लेके 1972 तक। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी, 1983 को बने थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC का गठन 1971। अब मैंने आपको बताया 1971 को जैसे ही हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना, तो काफ़ी सारे जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका गठन किया गया। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया हाई कोर्ट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया? HPPSC। तो इन दोनों का गठन भी 1951 में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें नोट क्या है HPPSC में, तो HPPSC के पहले अध्यक्ष कौन थे? KS कटोच। पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? कुमारी बिमला। और इसका कार्यालय कहाँ पे है? निगम विहार शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1986 को। ठीक है, 1986 को। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 को हुई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री हमीदुल्ला बेग बने थे। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो कौन थे? श्री मेहरचंद महाजन जी। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं जो कि हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो कौन थे? श्री मेहरचंद महाजन जी। 1954 में ये बने थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। नोट क्या है इसमें कि RS पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश हेग की जज भी रह चुकी है। सबसे पहला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हेग में है। ठीक है, तो RS पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग की जज भी रह चुकी है, और ये जो RS पाठक है ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की मांग किसने की थी? बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मांग हजारा सिंह जी ने की थी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के नामकरण का सुझाव दिवाकर दत्त शर्मा ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत के पहले लोकसभा चुनाव का पहला वोट, देखो भारत के पहले लोकसभा चुनाव का पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील जो कि अब किन्नौर में पड़ती है, 25 अक्टूबर 1971 को पड़ा था। ठीक है, देखो कितनी प्राउड वाली बात है कि भारत के पहले लोकसभा चुनाव का पहला वोट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 25 अक्टूबर 1971 को पड़ा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बार लोकसभा सदस्य के तौर पर कौन चुने गए थे? तो KD सुल्तानपुरी। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, रिवाइज करते टाइम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। वैसे मैं आपको इसकी PDF तो दे ही दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप टेंशन ना लो।
तो अभी आपका काम क्या बनता है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है हमारी मोटिवेशन के लिए, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है। अपने फ्रेंड्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए हमारी मोटिवेशन के लिए, ठीक है, और हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने के लिए facebook.com/creativestudy पर जाइए और हमें फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो इसके लिए आपको instagram.com/creativestudy.official पर जाना है, तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, तो आप वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, इसका लिंक है t.me/gradeupstudy, यहाँ पे आपको हमारे हर लेक्चर की PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्दी ही आने वाला है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।